प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 बसंत का अध्याय 9 कबीर की सखी। इस अध्याय को हमने संपूर्ण रूप से पढ़ लिया था। इस अध्याय में क्या बताया गया है वो मैं आपको बताने के बाद आज के अध्याय में, आज के ऑनलाइन क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कबीरदास की समझ साखियाँ नीतिपरक एवं जीवन उपयोगी संघर्ष से भरी हुई है, जिनको अपने जीवन में उतारने से मानव मात्र का कल्याण संभव है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित साखियाँ माध्यम से कबीर ने निम्न उपदेश दिए थे जो हमने पढ़े थे। कबीर कहता है कि हमें कभी भी ज्ञानियों की उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनसे ज्ञान और काम की बातें ग्रहण करनी चाहिए। यदि कोई हमें अपशब्द कहता है तो हमें उसका जवाब अपशब्द से नहीं देना चाहिए, हमें मौन रहना चाहिए क्योंकि जब हम भी उसके अपशब्द का उत्तर अपशब्द से देंगे तो आपस में अपशब्दों की संख्याएं बढ़ जाएगी। फिर बताया, संसार के तमाम आडंबर व्यवहार करने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए कबीरदास ने कहते हैं कि हाथ में मोतियों की माला फेरने और मुंह से राम राम जपने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन की एकाग्र चित्ता जरूरी है। आम आदमी के महत्व को सब बताते हुए कबीरदास जी ने घास का उदाहरण देते हुए कहते हैं, कभी कभी पैरों के नीचे कुचली जाने वाली घास को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वह जब उसका तिनका जब आग में चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। शांत और निर्भय स्वभाव के विषय में बताते हुए कवि कहता है कि जो व्यक्ति स्वभाव के से शांत एवं विनम्र होता है उस व्यक्ति का कोई भी दुश्मन नहीं होता है। अतः हमें अपने स्वभाव शांत एवं निर्मल रखना चाहिए, जिससे सभी हम पर दया भाव दिखाएं। आज हम इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। इस उदाहरण द्वारा कबीर यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को उसी वस्तु की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो काम की हो। निरर्थक वस्तु के बारे में जानकारी क्यों ली जाए? हमें विद्वानों के केवल ज्ञान से मतलब होना चाहिए, न कि उसकी जाति से। प्रश्न दो है, पाठ की तीसरी साखी इसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहू दिशी फिरे यह तो सुमिरन नाई, के द्वारा कभी क्या कहना चाहते हैं? इस उत्तर है, इस साखी में कबीर ने केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताया है। उनका मानना है कि ईश्वर की उपासना के लिए मन का एकाग्र होना आवश्यक है, इसके बिना ईश्वर स्मरण नहीं हो सकता। माला फेरने और मुंह से ईश्वर का नाम लेने मात्र से कुछ फायदा नहीं होता। प्रश्न 3 है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर इस दोहे में
कबीर दास उस घास की निंदा करने से मना करते हैं जो मनुष्य के पैरों के नीचे है। इस दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहां घास का तात्पर्य है दबे हुए और कमजोर व्यक्ति। ऐसे लोग को तुच्छ यानी कमजोर और दबे हुए लोगों को तुच्छ मानकर उनकी निंदा की जाती है। कबीर का दोहा संदेश है कि कभी किसी की निंदा मत करो, विशेषकर छोटे लोगों की, क्योंकि जिस प्रकार घास का छोटा सा तिनका भी यदि उड़कर आँख में चला जाए तो बहुत कष्ट देता है, उसी प्रकार ये निर्बल कमजोर और छोटे व्यक्ति भी शक्ति पाकर कष्टदायी हो जाते हैं। प्रश्न 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बुलाने वाले दोष होते हैं, ये भावार्थ किस दोहे में है? ये भावार्थ दोहा नंबर 5 में है। जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा की डारी दे दया करे सबको। ये जो 5वां दोहा है ये दोहा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। इस तरह से ये 4 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताए हैं, ये आपको नोट भी करने। अगली ऑनलाइन क्लास में नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।